हेलो एवरीवन, बच्चे के जन्म के साथ ही माँ का जो दूध होता है बच्चों के लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। और 6 महीने तक बच्चे, जब तक 6 महीने के नहीं होते हैं तब तक यही सलाह दी जाती है माँ को कि बच्चे को स्तनपान ही कराया जाए, क्योंकि बच्चों को जो पोषण होता है वो माँ के दूध से पूरा मिल जाता है। उनकी भूख तो दूर होती है, साथ में माँ के जो दूध में कई तरीके के पोषक तत्व होते हैं जो उनकी बच्चों की ग्रोथ में बहुत ज्यादा मदद करते हैं, वो उसमें मिला हुआ होता है। माँ के दूध में उन्हें पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, जिससे कि उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे तरीके से होती है। और बच्चों के साथ साथ ही माँ के लिए भी स्तनपान कराना बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। उसे जो भी माँ फीडिंग कराती है उन्हें स्ट्रोक का खतरा कम होता है, उन्हें कैंसर का खतरा बहुत ज्यादा कम हो जाता है, साथ ही साथ हार्ट अटैक का खतरा भी 10% तक कम हो जाता है। तो शिशुओं के साथ साथ माताओं के लिए भी ब्रेस्ट फीडिंग कराना काफी फायदेमंद होता है, क्योंकि बच्चे को 6 महीने तक हम कुछ और बाहर का नहीं दे सकते हैं, तो स्तनपान कराना काफी जरूरी होता है। लेकिन बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, या कभी दूध नहीं बन रहा होता है, या ठीक तरीके से बच्चा नहीं सक कर पा रहा होता है, माँ का दूध नहीं बनने की वजह से बच्चे को भूखा रहना पड़ जाता है। बहुत सारी चीजें होती हैं ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड, और कभी कभी बहुत ज्यादा मात्रा में भी दूध बनना भी थोड़ा एक तरीके से अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम ब्रेस्ट फीडिंग के ही बारे में बात करने वाले हैं, और उसकी कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को हम ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रॉब्लम होती है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान कि ठीक तरीके से मिल्क नहीं बन पाता है और बच्चे को ठीक तरीके से पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। तो ब्रेस्ट मिल्क को अगर आपको बढ़ाना है ताकि बच्चा ठीक तरीके से अपना आहार ले सके, तो उसके लिए आप होम्योपैथी की चिमोफिला करके एक मेडिसिन आती है, उसकी 30 पोटेंसी की 2 बूंद का ड्रॉप दिन में 2 बूंद ले सकते हैं और उसको दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके आप एक अलग मेडिसिन होती है, वो है लिएक्टियो का वायरोसा, इसे मदर टिंचर फॉर्म में ले सकते हैं। और अगर मदर टिंचर फॉर्म में ले रहे हैं तो इसकी 10 से 15 बूंद जो है थोड़े से पानी के साथ मिला के महिलाएं 3 बार दिन में ले सकती हैं। ये दोनों ही मेडिसिन को अल्टरनेटिवली लिया जा सकता है। अगर आपने चिमोफिला एक बार ले लिया है तो नेक्स्ट टाइम आप लिएक्टियो का की डोज ले सकते हैं। तो इस तरीके से दिन में 3 बार आपको लेना है, बिल्कुल भी इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ब्रेस्ट फीडिंग अगर कम है तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जैसे ही धीरे धीरे करके ब्रेस्ट मिल्क बढ़ने लगता है तो आप इसको धीरे धीरे करके कम मात्रा करके इसे बंद कर सकते हैं। बहुत सारी महिलाओं में ऐसा होता है कि मिल्क बहुत ज्यादा मात्रा में बनने लगता है, बहुत ज्यादा ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन होने की वजह से थोड़ा अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाती है, और बच्चे की इतनी भूख नहीं होती है जितना कि ब्रेस्ट जो है मिल्क बनने लगता है। इसके लिए महिलाएं लेक कैनिनम नाम की एक मेडिसिन होती है, उसकी 6 सी पोटेंसी या 30 सी पोटेंसी ले सकती हैं। बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स होते हैं। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है तो ये मेडिसिन काफी फायदेमंद होती है। तो इसकी 2 बूंद का सेवन महिलाएं दिन में 3 बार कर सकती हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। ये पूरी तरह से आपके मिल्क प्रोडक्शन को कम नहीं करता है, बस जो बहुत ज्यादा मात्रा में बन रहा है उसको थोड़ा सा कम करने में हेल्प करती है ये मेडिसिन। कई बार ऐसा होता है कि ब्रेस्ट साइज ठीक तरीके से नहीं होने की वजह से साइज बहुत कम होता है, साथ ही साथ मिल्क ही नहीं बन रहा होता है। अगर मिल्क प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है तब फिर महिलाएं सेबल सेरोलेटा की मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ब्रेस्ट साइज को इंक्रीज करने में भी काफी हेल्पफुल होती है। तो सेबल सेरोलेटा को मदर टिंचर फॉर्म में उन्हें 10 से 15 बूंद या 15 से 20 बूंद थोड़े से पानी के साथ दिन में 3 बार वो ले सकती हैं। इससे साइज भी इंक्रीज होता है, साथ साथ मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ता है। और अगली जो होम्योपैथी मेडिसिन है जो कि मिल्क प्रोडक्शन को भी बढ़ाती है और साइज भी इंक्रीज करती है, वो है लेक टेफ्लोरेटम। इसे आपको 30 पोटेंसी में लेना है, इसकी 2 बूंद का सेवन महिलाएं दिन में 3 बार कर सकती हैं। अल्टरनेटिवली आप इस मेडिसिन का ले सकती हैं, मतलब एक मेडिसिन ली तो उसके 10 से 15 मिनट बाद आप सेकेंड मेडिसिन ले सकते हैं, और इसी तरीके से दिन में 3 बार आपको इन मेडिसिन का इस्तेमाल करना होता है। ऐसा होता है कि बच्चा मिल्क लेने से ही मना कर देता है ड्यू टू पुअर क्वालिटी, उन्हें ठीक तरीके से स्वाद नहीं आता है, टेस्ट नहीं आता है, क्वालिटी ठीक से नहीं होती है, और इसके वजह से क्या होता है बच्चा एवर्जन करने लगता है, मिल्क लेता नहीं है। तो फिर माताएं सोचती
कि ऐसा क्या हो रहा है, तो हो सकता है कि मिल्क प्रोडक्शन तो ठीक तरीके से हो रहा है पर पुअर क्वालिटी होने की वजह से बच्चा पसंद नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जब बच्चा मिल्क लेने से एवर्स करे, मना करे, तो फिर आप साइलेशिया 6X पोटेंसी में ले सकती हैं। साइलेशिया काफी अच्छी मेडिसिन होती है जो कि आपकी मिल्क की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। तो इसकी 6X पोटेंसी की 4 टेबलेट का इस्तेमाल आपको दिन में 3 से 4 बार करना चाहिए। बच्चा धीरे धीरे करके मिल्क जो है लेने लगेगा और एवर्जन जो कर रहा है, जो मना कर रहा है, वो भी नहीं करेगा। ऐसी महिलाएं जो कि लैक्टेटिंग वुमन्स हैं और उनमें ठीक तरीके से मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रहा है और पुअर क्वालिटी का हो रहा है, तो काफी हद तक रिसिनस नाम की एक मेडिसिन है, रिसिनस कॉम करके एक मेडिसिन आती है जो कि कई मामलों में दी जाती है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमने देखे हैं। तो इस मेडिसिन की 6C पोटेंसी ले सकते हैं आप या फिर 30 पोटेंसी तक आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। इसकी 2 बूंद का सेवन दिन में 3 बार करने से उन्हें बहुत अच्छे से मिल्क प्रोडक्शन होने लगता है, साथ ही साथ जो पुअर क्वालिटी हो गई है मिल्क की, ठीक तरीके से क्वालिटी नहीं है, तो उसे भी इंप्रूव करने में अच्छी हेल्पफुल मेडिसिन होती है। तो ये मेडिसिन काफी ज्यादा इंडिकेटेड होती है जहां पे मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रहा है या पुअर क्वालिटी का हो रहा है। और आखिरी में जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो है सिकल कोर। इसे 6C या 30 पोटेंसी में दिया जा सकता है महिलाओं को। ऐसी कंडीशन में जब ब्रेस्ट मिल्क तो बन रहा है, ठीक तरीके से बन रहा है, बट वो बाहर नहीं आ रहा है ना। कई बार ऐसा होता है आफ्टर डिलीवरी की मिल्क प्रोडक्शन होने के बावजूद भी मिल्क जो है बाहर नहीं आ पाता है, तो ये मेडिसिन काफी अच्छी होती है। तो सिकल कोर की 30 या फिर 200 पोटेंसी की 2 बूंद का सेवन पेशेंट दिन में 3 बार कर सकते हैं, इसके भी काफी अच्छे रिजल्ट होते हैं। तो ये सारी मेडिसिन जो है मिल्क प्रोडक्शन में, पुअर क्वालिटी में काफी इफेक्टिव होती है और बहुत ज्यादा मात्रा में अगर मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है तो इसे कम करने के लिए भी मैंने एक मेडिसिन बताई है। तो ये सारी मेडिसिन का इस्तेमाल लैक्टेटिंग वुमेन कर सकती है बिना साइड इफेक्ट के, किसी तरीके की कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कम पावर से स्टार्ट करना होता है और जैसे ही उनकी सुधार होने लगता है तो धीरे धीरे करके डोज कम करके मेडिसिन को बंद कर सकती है। तो होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और मेरी वीडियो को जो जो पहली बार देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करिए, साथ ही में बाजू में बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अंदर लूंगी मैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए और खुश रहें। धन्यवाद।